दिलड़ा गांव को राजस्थान सरकार ने आदर्श गांव के रूप में गोद ले रखा है। सरकार ने इसके लिए नरेगा के तहत कई काम बनाए हुए है। 8 घंटा काम करा, 8 घंटा में कई काम है, खाली हो रही पर रेट रेट कमी सावे बिल्कुल बराबर काम करा। पाकिस्तान वेरी काम करा, धूलो नहीं है तो पाकिस्तान में रेट बराबर आवनी सावे। महंगा रहते 200 रुपया रेट तो वे नहीं सावे, पारी नहीं पड़े मन। कतरा मजदूर काम कर रहे बार मजदूर धागा मिचोल पे आवा जो 15 दना 20 दना अब थोड़ा घना कम है, रेट कम है जो मजदूर आई रही कौन नहीं कम कही रेट बराबर वे तो मजदूरी आवे ना याद ही नहर पड़ी है यूं। बहुत सारे काम जो है वो आज अटके हुए हैं। आज चाहे हमारे पास में आज की तारीख में 45 लाख रुपए का एक पालेरा हमारा जो तालाब है उसका एक फीडर नहर का कार्य है, 17 लाख रुपए कब्रिस्तान मुस्लिम समाज का वो है, उसके अलावा और भी ऐसे बड़े बड़े काम हैं जिनके अंदर स्कूल का ग्राउंड समतलीकरण है वो 15 लाख का है, लेकिन ये सारे काम जो है वो नरेगा के अंतर्गत लिए हुए गए। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि हमारे पास नरेगा की लेबर नहीं है, ज़्यादा कमाई के चक्कर में या किसी भी रूप में देखो आप तो वो नरेगा के अलावा रोजगार करना पसंद करते हैं। यहाँ पर नरेगा में कम राशि मिलने से यहाँ के मजदूर शहर की तरफ आकर्षित होते हैं, जिस कारण से यहाँ पर आए हुए करोड़ रुपए के बजट लैप्स हो जाते हैं। मैं सभी वीडियो देखने वाले लोगों से ये अपील करता हूँ कि हमारे राजसमंद जिले के कलेक्टर महोदय अर्चना सिंह जी, जिनके नंबर है 0 29 52 22 10 30 है, उनको फोन कर इस समस्या के लिए बात करें ताकि हमारे गाँव के लिए अलग से कोई योजनाएं बनाई जाए। मैं शंभू राजसवर देरोड़ा से इंडिया अनहर्ड के लिए।